अनोर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। फिल्म की रील की तरह चल रही है बिहार और देश की राजनीति, और इस राजनीति के कहीं ना कहीं जो पात्र हैं वो नए नए तरीके से अपनी अपनी कहानियां लिख रहे हैं। इसी कहानी के बीच में कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो इशारा कर रही हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे। वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार की पार्टी ने जिस तरह की बातें कही है उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक ठाक हैं और कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां बहुत कुछ कहने के लिए मजबूर कर रही हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति पर बिहार के सियासी गलियारे में तो चर्चा है ही, उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में नीतीश कुमार की चर्चा खूब हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार करेंगे क्या। इस बीच में अखिलेश यादव की जो बात आपने सुनी होगी, उन्होंने नीतीश कुमार को वापसी करने की बात कही है, उसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जेपी के नाम पर और जेपी जयंती के दिन जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के बातें कही और अचानक से ये बात आई, तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा तो होनी ही थी। हालांकि ये चर्चा कोई नई नहीं थी, इससे पहले भी इसकी चर्चा जो विपक्ष हैं, गैर भाजपाई दल हैं, उनके बीच में हो चुकी है। और नीतीश कुमार इन गैर भाजपाई दलों के साथ जब जनवरी से पहले थे तब भी ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार एक समाजवादी नेता है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कई राजनीतिक पंडित भी इस बात को लेकर के सवाल खुद से कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो मानेंगे। चर्चा इसलिए और तेज़ हो गई है कि कल ही नीतीश कुमार ने कटिहार में एक सभा के दौरान ये बात कही है कि इधर उधर जाते रहे हैं लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे, जब जब उन सब के साथे गए हैं तब तब वो सब गड़बड़ किया है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार बहुत कैलकुलेटेड शब्द बोल रहे हैं और इस कैलकुलेटेड शब्द में ही मायने निकाले जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से क्या करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है, ये बातें कही जा रही है, और यही कारण है कि ऑफर के साथ साथ बुलावे भी नीतीश कुमार को आने लगे हैं। इन सभी बातों को लेकर के हमने अखिलेश यादव की बात आपको बताई थी कि उन्होंने किस तरह से नीतीश कुमार को अपने खेमे में या फिर से एक बार जिस कुनबे को उन्होंने बनाया था इंडिया गठबंधन को, उसमें वापसी की बात की। जेपी के नाम पर अखिलेश यादव ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के लिए ज़रूरी क्या है। दरअसल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और पक्ष हो या विपक्ष दोनों जानते हैं कि नीतीश कुमार जिस ओर रहेंगे सरकार उसकी ही बनेगी। 2015 और 2020 का चुनाव इसका उदाहरण है। हालांकि 2010 में भी और 2005 में भी आपने देखा होगा जेडीयू आरजेडी के साथ रही तो नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी और बीजेपी के साथ रही तो एनडीए की सरकार बनेगी। यही कारण है कि अखिलेश जेपी के बहाने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दे रहे हैं। बात यही नहीं है, 2025 से जिस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं चुनाव को लेकर के, उसके साथ साथ ये भी जानते हैं अखिलेश कि जब 2029 में चुनाव होगा, जब लोकसभा का और वन नेशन और वन इलेक्शन की बात की जाएगी, इन सभी परिस्थितियों से कहीं ना कहीं दो चार करना पड़ेगा अखिलेश यादव को ही, क्योंकि यूपी में भी 2027 में असेंबली इलेक्शन है। इन सभी बातों को लेकर के अखिलेश यादव की बात तो अपनी जगह पर है ही, इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि अचानक से तेजस्वी यादव का खेमा भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। केसी त्यागी ने अखिलेश यादव के इस बात को लेकर के निशाना तो साधा ही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ हमने ये आंदोलन था और इस आंदोलन में नीतीश कुमार की भूमिका रही है। उन्होंने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके खिलाफ जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है उसको लेकर के जेपी आंदोलन शुरू हुआ था। इन सभी बातों को कहते हुए अखिलेश यादव की टिप्पणी अनुचित है। उन्होंने केसी त्यागी ने कहा, हम अखिलेश यादव के को याद दिलाना चाहते हैं कि उनके पिता और नीतीश कुमार को जिस सरकार ने जेल में रखा, उस उनकी आज़ादी को ख़त्म किया, उस कांग्रेस से अखिलेश को अपने रिश्ते ख़त्म कर लेने चाहिए। ये बातें कह करके कहीं ना कहीं एक इशारा तो ज़रूर किया है, लेकिन यही केसी त्यागी हैं, आपको याद होगा कि जिनको अपने पद से और नीतीश कुमार के सलाहकार के पद से हटना पड़ा था, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और दिल्ली में नीतीश कुमार के आँख नाक कान हुआ करते थे, लेकिन अचानक से जिस तरह से उन्होंने विपक्ष के खेमे में जा करके केंद्र की सरकार की आलोचना की, उसको लेकर के
कहीं ना कहीं उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अखिलेश यादव ही नहीं, आपको बता दें कि ममता बनर्जी से लेकर के और कांग्रेस तक अब इस बात की तरफ सोचना शुरू कर चुकी है कि अगर नीतीश कुमार हमारे खेमे में आते हैं तो परिस्थितियां क्या होंगी। बिहार में 4 सीटों के चुनाव होने हैं, इसके साथ साथ देश के 15 राज्यों में भी उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहीं 2 राज्यों में मुख्य चुनाव हो रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र। तिथियों की घोषणा हो गई है, 17 और 20 को इलेक्शन होंगे और इसी बीच में 23 तारीख को परिणाम आएंगे। सारे पर्व त्यौहार इसी बीच में आ रहे हैं और इन सबको लेकर के बिहार में एक माहौल बनेगा। अब तो कहा यह जा रहा है कि ये जो 4 सीटों का उपचुनाव है ये सेमीफाइनल बिहार का है और इस सेमीफाइनल में परिणाम के आधार पर नीतीश कुमार फैसला लेंगे। हालांकि नीतीश कुमार, हमने आपको बताया भी था कि 30 दिनों का एक और टेन्योर तय किया गया है कि इस 30 दिन में देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, नीतीश कुमार का ऊँट किस करवट बैठेगा, नीतीश फिर से करेंगे बड़ा खेल। और उनका बड़ा खेल आप जानते हैं कि इसी संदर्भ से जोड़ कर देखा जाता है कि वो एक बार फिर से खेमा बदल लेंगे। पटना से यूपी तक की हलचल तेज हो गई है और नाना हाँ हाँ के बीच में कहा जा रहा है कि गोटी सेट है, बस सिर्फ वक्त का इंतजार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी भरोसा दिलाया है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार की चुप्पी और नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के कई तरह की बात कही जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ना ना हाँ हाँ के बीच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।